दोस्तों, अगर आप मनाली बाई रोड जाने का सोच रहे हो तो इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपकी मनाली ट्रिप आपको बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, अगर आप मनाली गए हो और आपको सोलांग वैली या रोहतांग घूमने जाना है तो आप जितना जल्दी सुबह हो सके उतना जल्दी निकलो, वरना आपको जाम मिलेगा। और जाम में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग जल्दी के चक्कर में जाम तोड़कर आगे निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो लोग सोचते हैं कि कट मार के आगे किसी और गाड़ी के पीछे लगा लेंगे, उस चक्कर में वो लोग रॉन्ग साइड चले जाते हैं, दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं और सोचते हैं कि आगे किसी और गाड़ी के पीछे लगा लेंगे, उस चक्कर में रॉन्ग साइड चले जाते हैं। और क्या होता है, मनाली में बहुत सारे आपको चेक पोस्ट देखने को मिलेंगे जहां पे पुलिस वाले खड़े मिलते हैं, और उन्होंने अगर आपको ओवरटेक करते हुए देख लिया रॉन्ग साइड से तो भैया आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, वो आपका फाइन तो मारेंगे ही बल्कि बड़ा चालान भी मार सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमारे केस में क्या हुआ था, हमारा ड्राइवर जो है वो कट मार के सोचता है आगे निकल जाएंगे जाम में से, पर ऐसा नहीं होता है, आगे हमें जो है पुलिस वाला, ये देखो पुलिस वाला देखने को मिल जाता है, और उसने साफ साफ देख लिया होता है कि जो हमारी गाड़ी है वो रूल तोड़कर आगे निकल रही है, तो वो हमारी गाड़ी को रोक लेता है। और जो हमारा ड्राइवर होता है वो वहां का लोकल होता है, इसलिए वो उसका लंबा चालान नहीं मार पाता है, उसको एक फाइन देकर छोड़ देता है। लेकिन आप इतनी दूर से अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आपका जो है लंबा चालान हो सकता है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि वहां पे कोई भी रूल्स मत तोड़ना और ओवरटेक करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो।